एवेंजर्स एंड गेम के लिए भी रोल ऑफ कैरेक्टर्स इन एंड गेम सीरीज शुरू हो रही है, जिसमें सबसे पहले बात गॉड ऑफ थंडर यानी कि थॉर के बारे में करेंगे। तो इस वीडियो में हम थॉर की एवेंजर्स एंड गेम से रिलेटेड जो भी डिटेल्स, पॉपुलर फैन थेरीज, फैक्ट्स और अपडेट्स आई हैं, उन सभी चीज़ों को इस सिंगल वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। इसके अलावा गाइस, हमारे चैनल पर एवेंजर्स एंड गेम की टिकट्स का गिव अवे चल रहा है, जिसमें पार्टिसिपेट करने के लिए आपको ब्लू आइसबेयर और BIB को सब्सक्राइब करना है, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना है और कमेंट्स में अपने फेवरेट सुपर हीरो का नाम बताना है। तो अब एक स्पॉइलर वार्निंग के साथ आज का वीडियो शुरू करते हैं। अब थॉर के रोल को एनालाइज करने के लिए हमें इन्फिनिटी वॉर के क्लाइमेक्स से शुरू करना होगा, जब थॉर थैनोस को मारने का चांस मिस कर देता है और थैनोस की एक चुटकी की कीमत आधी यूनिवर्स को भुगतनी पड़ी थी। थॉर के पास स्टॉर्म ब्रेकर जैसा वेपन था, जो निदेवलिर में रीइग्नाइटेड स्टार के फुल फोर्स में फोर्ज किया गया था और थैनोस को रोकने के लिए ही बनाया गया था, लेकिन थॉर और स्टॉर्म ब्रेकर दोनों यूनिवर्स को बचा नहीं पाए। ये सब होने के बाद हमने एवेंजर्स एंड गेम के फर्स्ट ट्रेलर में थॉर को एवेंजर्स फैसिलिटी में परेशान बैठे देखा था, जिसे मूवी के डायरेक्टर्स में से एक जो रूसो ने सर्वाइवर गिल्ड का नाम दिया था, यानी आधे यूनिवर्स के डेसिमेशन का जिम्मेदार थॉर सिर्फ अपने आप को मान रहा है। उसके बाद बिग गेम टीवी स्पॉट टीजर आया, जिसमें थॉर दो बार दिखा। पहले शॉट में वो किसी अननोन जगह पर अपने स्टॉर्म ब्रेकर के साथ था। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली ये कि थॉर स्नैप के बाद गुस्से में थैनोस को ढूंढने टाइटन 2 पर गया हो, क्योंकि एंड गेम का सेकेंड ट्रेलर रिलीज होने से पहले डिज्नी के शेयर होल्डर्स की मीटिंग में एंड गेम की कुछ फुटेज दिखाई गई थी, जिसका डिस्क्रिप्शन ट्विटर पर लीक हुआ था, जहां नेबुला एवेंजर्स को बताती है कि थैनोस ने उसे एक बार बताया था कि ये सब खत्म होने के बाद थैनोस द गार्डन नाम की जगह पर जाएगा, जो शायद हमने पहले ट्रेलर में देखी भी थी। और उसके बाद रॉकेट उन लोगों को बताता है कि थैनोस की स्नैप के बाद जो एनर्जी जनरेट हुई थी, वो एक दूसरे प्लेनेट पर भी उसी टाइम पर उतनी ही एनर्जी रिकॉर्ड की गई है, तो हो सकता है थैनोस वहीं पर हो। इसीलिए हो सकता है कि मूवी के पहले हाफ में थॉर और कुछ एवेंजर्स थैनोस से फाइट करने जाएं। इस बात में इसलिए भी सच्चाई हो सकती है क्योंकि उस लीक ट्वीट में थॉर और कैप्टन मार्वल के बीच वाले उस सीन का भी डिस्क्रिप्शन था, जो हमने सेकंड ट्रेलर के लास्ट में देखा था। इसके अलावा दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि थॉर बचे हुए एस्गार्डियंस को ढूंढने गया हो, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर आने के बाद मूवी के डायरेक्टर्स ने रिवील किया था कि जब थैनोस एस्गार्डियंस के शिप पर अटैक करता है, तो आधे एस्गार्डियंस को एक रेस्क्यू शिप में थैनोस से बचाकर कहीं भेज दिया गया था। तो अगर वो आधे एस्गार्डियंस थैनोस के स्नैप का शिकार हुए होंगे, तब भी एस्गार्डियंस की टोटल पॉपुलेशन का 25% अभी भी जिंदा होगा कहीं पर, जिसको रेस्क्यू करने की जिम्मेदारी थॉर की ही है। और इसके अलावा वेलकरी का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस ने भी एवेंजर्स एंडगेम की शूटिंग पिक्स अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी, इसका मतलब वो भी जिंदा है और शायद बचे हुए एस्गार्डियंस के साथ हो। और अब तो मार्वल ने अपने नए ऑफिशियल पोस्टर में भी क्लियर कर दिया है कि वेलकरी जिंदा है, इसीलिए इस पॉसिबिलिटी के चांस भी काफी ज्यादा बढ़ गए हैं, क्योंकि उसी टीवी स्पॉट में जब दूसरी बार थॉर दिखा था, तब वो अपने स्टॉर्म ब्रेकर की तरफ देख रहा था। अब इस सीन के कई मतलब हो सकते हैं, जैसे उसका स्टॉर्म ब्रेकर बाइफ्रॉस्ट समन कर सकता है, तो इसी का यूज करके वो एस्गार्डियंस रिफ्यूजेस के पास जा रहा हो, या फिर उसे थैनोस से भिड़ने का दोबारा चांस मिला हो और इस बार वो थैनोस का हेड मिस नहीं करना चाहेगा। अब इन सब के बाद नए क्वांटम रियम सूट्स की बात कर लेते हैं, जो हमें सेकंड ट्रेलर के लास्ट में देखने को मिले थे, और उससे पहले भी काफी सारी लीक पिक्चर्स और टॉय सेट पर थॉर भी हमें उनमें दिखा था। तो काफी फैंस ये सोच रहे थे कि थॉर तो गॉड ऑफ थंडर है, तो उसे इस सूट की क्या जरूरत। तो क्वांटम रियम का रोल मूवी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हीरोज को सब कुछ रिस्टोर करने के लिए क्वांटम रियम और टाइम वर्टेक्सेस में ट्रैवल करना होगा, और क्वांटम रियम में जाने के लिए बॉडी को श्रिंक यानी कि छोटा करना पड़ता है, जो शायद इन्हीं सूट से पॉसिबल हो पाएगा। इसलिए थॉर को भी इन क्वांटम रियम सूट्स की जरूरत पड़ने वाली है। इससे पहले टॉय सेट के कवर पर इन सूट्स में थॉर और रॉकेट की जोड़ी दिखी थी, तो हो सकता है इन्फिनिटी वॉर की तरह एक बार फिर कुछ मोमेंट्स के लिए इनकी जोड़ी कमाल करती हुई दिख जाए, क्योंकि रॉकेट का बचे हुए हीरोज में से थॉर के साथ सबसे अच्छा बॉन्ड है। और रही बात नेबुला की, तो रॉकेट और नेबुला की ज्यादा बनती नहीं है। वैसे रॉकेट और वॉर मशीन का सीन भी ट्रेलर में दिखाया गया था। इससे पहले जब एवेंजर्स 4 यानी कि एंड गेम की सेट पिक्चर्स आई थी, तो भी थॉर कैप्टन अमेरिका और लोकी के साथ दिखा था, और ये वही न्यूयॉर्क बैटल के सीन्स थे। अब या तो ये टाइम ट्रेवल या फिर अल्टरनेट रियलिटी से उस इवेंट तक गए होंगे। वहाँ थॉर के हेयर भी ग्रोन थे, तो हो सकता है ये अल्टरनेट रियलिटी की वजह से हो, क्योंकि पास्ट में जाने के बावजूद टोनी स्टार की एज भी बढ़ी हुई थी। इसके साथ थॉर के पुराने वेपन मियोनिर की भी सेट पर पिक्चर्स देखी गई थी। इन सब के बाद एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि एंड गेम में पहले मार्वल थॉर और कैप्टन मार्वल के बीच एक रोमांटिक एंगल दिखाना चाहते थे, लेकिन बाद में स्टोरी की सीरियसनेस को देखते हुए इसे कैंसिल कर दिया गया। इतना सब जानने के बाद अब तो मूवी का ही वेट है हीरोज को धमाल मचाते हुए देखने के लिए। तो मेरे ख्याल से इस वीडियो में हमने थॉर की एंड गेम से रिलेटेड काफी थेरीज, फैक्ट्स और अपडेट्स कवर कर लिए हैं, लेकिन अगर कोई मिस हो गया हो तो आप कमेंट्स में हमारे साथ शेयर कर सकते हैं।